Hey guys, welcome back to our YouTube channel. आज हम जानने वाले हैं 21st century के one of the most successful business model के बारे में और साथ साथ में किस तरीके से कई सारी ब्रांच बहुत ही millions of dollars की funding raise कर रही है ये business model का use करके and साथ साथ में हमारे India की एक ब्रांड है जिस ब्रांड ने सिर्फ 6 month के अंदर $1 billion की valuation को achieve किया है ये business model की help से. तो क्या है business model, कौन से वो India की ब्रांड, किस तरीके से वो operate करती है and किस तरीके से उन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर $1 billion की वैल्यूएशन को अचीव किया, जो उस हर एक चीज़ के बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ साथ में ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस के अंदर और आपके स्टार्टअप के अंदर आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में भी जानने वाले हैं. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड चलिए जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बिजनेस मॉडल एंड केस स्टडी के बारे में. आज हम जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं उस बिजनेस मॉडल का नाम है थ्रासियो और जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं उस ब्रांड का नाम है मेंसा ब्रांड. अगर ये बात करूँ थ्रासियो मॉडल की तो वर्ल्ड वाइड इस मॉडल को फंड माइनर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी ब्रांड जो इस बिजनेस मॉडल का यूज करते हैं उनमें से कई सारी ब्रांड ने $25 million से लगाकर $1 billion की फंडिंग रेज की है. अगर मैं बात करूँ फाल्कन एज फंड की, टाइगर ग्लोबल की और ऐसे कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो भी ब्रांड आज थ्रासियो मॉडल का यूज़ कर रही है सक्सेसफुली उस ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसकी वजह से ग्रो होना चाहते हैं. तो ऐसा तो क्या है थ्रासियो मॉडल के अंदर जिसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर थ्रासियो मॉडल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो थ्रासियो मॉडल क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि थ्रासियो मॉडल मार्केट के कौन से पेन पॉइंट को सॉल्व करता है. अगर मैं कुछ स्टेटिस्टिक की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 212.98 मिलियन SMEs है जो वर्ल्ड वाइड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड साथ साथ में अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मार्केट या फिर ई कॉमर्स मार्केट की तो उस मार्केट ने 2021 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $5 trillion का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड ये रेवेन्यू 2025 तक 50% ग्रोथ रेट के साथ 7.5 trillion हो जाने वाला है. एंड साथ साथ में बात करूँ मैं स्पेसिफिकली इंडिया की तो इंडिया के अंदर 2025 तक 900 million इंटरनेट यूजर हो जाने वाले हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो ऑनलाइन मार्केट या फिर ई कॉमर्स मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $111.4 billion का हो जाने वाला है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एंड वर्ल्ड वाइड जो ई कॉमर्स मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है. जो ई कॉमर्स मार्केट का सबसे बड़ा जायंट जिसको अमेजोन कहा जाता है, अमेजोन पे जो थर्ड पार्टी सेलर होते हैं जिनको कहा जाता है वो एज अ मर्चेंट अमेजोन पे रजिस्टर होते हैं एंड उसके बाद कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी सेलर ने अमेजोन पे अप्रॉक्सीमेटली $80.5 billion का रेवेन्यू जनरेट किया था जो अमेजोन का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू है. एंड अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो इंडिया के अंदर 4,152 ऐसे थर्ड पार्टी सेलर है जो एज अ मर्चेंट अमेजोन पे सेल करते हैं जिनकी सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है. तो इंडिया के अंदर एंड वर्ल्ड वाइड अमेजोन पे भी कई सारा थर्ड पार्टी जो सेलर है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, वो भी आज बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं. तो इससे ये सारे स्टैटिस्टिक्स ये समझ में आता है कि वर्ल्ड वाइड जो छोटे बिजनेस हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. बट देर इज़ अ कैच ओवर हियर, जितने स्पीड के साथ ऑनलाइन एंड स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होते हैं उतनी स्पीड के साथ वो ऑनलाइन बिजनेस एंड स्मॉल बिजनेस फेल भी होते हैं. अगर मैं कुछ रिपोर्ट की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 20% बिजनेस अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही फेल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 30% बिजनेस सेकेंड ईयर के अंदर एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% बिजनेस अपने फिफ्थ ईयर कंप्लीट होने से पहले फेल हो जाते हैं. अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ 10-15 सालों की तो ऑलमोस्ट 70-80% बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अगर कुछ मेन रीज़न को देखा जाए तो प्रॉपर बिजनेस प्लान ना बना पाना, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट या ब्रांडिंग ना कर पाना, नए कैश फ्लो को मेंटेन ना कर पाना एंड साथ साथ में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज ना कर पाना. क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्मॉल बिजनेस की जिसको आप थोड़े बहुत बड़े स्केल पे ले जाते हो तो वहाँ पर आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जब आपका बिजनेस छोटा होता है तब आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत छोटी होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वो बिजनेस रन करता है. लेकिन जैसे आप उसको बड़े स्केल पे लेकर जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देखना है, लॉजिस्टिक भी देखना है, सप्लाई चेन को भी देखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी देखना है, साथ साथ में अपनी एडवर्टाइज एंड ब्रांडिंग को भी देखना है, अपनी टीम के मैनेजमेंट को भी देखना है, साथ साथ में जितने भी अदर एक्सपेंसेस है उसको भी देखना है, अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज करना है और साथ साथ में नए कैश फ्लो एंड फंड्स को मेंटेन भी करना है. ये सारी चीज़ें आपको बड़े स्केल पे मेंटेन करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं लोगों के पास ये एक्सपर्टीज हर सेक्टर में नहीं होने की वजह से अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो बिजनेस फेल हो जाता है. साथ साथ में जब अपने बिजनेस को बड़ा करते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई बड़ी ब्रांड उस
बिजनेस को कॉपी ना कर ले, इसके लिए पेटेंट फाइल करवाना, उसके साथ साथ अपनी यूएसपी को प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर पोजीशनिंग करना, साथ साथ में नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते रहना, एंड साथ साथ में कोई भी कॉम्पिटिटर आपकी जो प्लेस है उसको ना छीन जाए उसके बारे में भी ध्यान रखना। एंड कहीं ना कहीं आपके पास उतना एक्सपीरियंस या फिर एक्सपर्टीज ना होने की वजह से वो बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा रैपिडली फेल भी हो जाते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं 80% बिजनेस लॉन्ग टर्म के अंदर फेल हो जाते हैं। और यही फेलियर रेशियो को कम करने के लिए, जहाँ पर अच्छी प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत अच्छा रेवेन्यू भी है, लेकिन फाउंडर के पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो वहाँ पर उसकी एक्सपर्टीज बनता है थ्रासियो बिजनेस मॉडल। और यहाँ पर ही काम करता है अमेजिंग थ्रासियो बिजनेस मॉडल। अगर मैं थ्रासियो मॉडल को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करूँ तो थ्रासियो मॉडल के अंदर जो भी छोटे छोटे मर्चेंट होते हैं, जिनकी जो प्रोडक्ट या फिर जो ब्रांड है उसका रेवेन्यू 1 करोड़ से लगकर 70-80 करोड़ है, ऐसे ब्रांड को पर्टिकुलर थ्रासियो मॉडल की जो भी ब्रांड है वो एक्वायर करती है। अपनी जो ऑनलाइन एक्सपर्ट की टीम है वो टीम के साथ मिलकर उस ब्रांड को बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही बड़े लेवल के स्केल के ऊपर इंक्रीज करती है, एंड साथ साथ उसके रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको बहुत ही बड़े लेवल पर इंक्रीज करती है। इसको डिटेल में जाने तो थ्रासियो मॉडल की शुरुआत की थी थ्रासियो कंपनी ने 2018 के अंदर, और थ्रासियो कंपनी से ही बना थ्रासियो बिजनेस मॉडल। थ्रासियो कंपनी एक आइडिया थी जिस कंपनी को शुरू किया था कार्लोस एंड जोशुआ ने, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट रह चुके हैं, एंड साथ साथ में ऑनलाइन मार्केटिंग का उनके पास बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ साथ में उन्होंने हर पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि सप्लाई चेन हो गया, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वहाँ पर हर सेक्टर के अंदर एक एक एक्सपर्ट को अपनी टीम के अंदर लिया, जिसकी वजह से हर सेगमेंट के अंदर वो प्रॉपर तरीके से ब्रांड को ग्रो कर पाए। एंड उसके बाद D2C सेगमेंट एंड Amazon के जो थर्ड पार्टी सेलर होते हैं जिनका रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली $1 million से लगा कर $20 million होता है, ऐसे ब्रांड को वो ढूंढते हैं जिनकी जो मेन कैटेगरीज थी वो थी होम, क्लीनिंग, किड्स एक्टिविटी, फूड एंड फिटनेस। ये 5 कैटेगरी के अंदर जो भी ब्रांड अच्छा खासा परफॉर्म करती है उस ब्रांड को वो एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके जो फाउंडर है उसको एक अच्छा खासा फाइनेंशियल एग्जिट देते हैं, उस ब्रांड को एक्वायर करते हैं। एंड उसके बाद उनकी जो भी टीम के एक्सपर्टीज है, चाहे बात करूँ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग की, इन्वेंट्री प्लानिंग की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, लॉजिस्टिक की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, ऐसी हर तरीके से उस ब्रांड को प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं, हर एक सेगमेंट के अंदर एक्सपर्टीज जो है उनकी उसका यूज करते हैं, उसके ब्रांड के रेवेन्यू को, प्रॉफिट को 5x एंड 10x करते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर वो ब्रांड स्काई रॉकेट बन जाती है। इस तरीके से थ्रासियो को भी ब्रांड को एक्वायर करने के बाद ग्रो करता है, उसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। थ्रासियो ने 2019 के अंदर क्लाउड मसाज को एक्वायर किया था। क्लाउड मसाज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाता है जो मसाज के अंदर आपको हेल्प करते हैं। जब थ्रासियो ने इस पर्टिकुलर ब्रांड को एक्वायर किया था वो ब्रांड ऑलरेडी अमेजोन पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी एंड अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही थी। एंड उसको एक्वायर करने के बाद अब उसके जो फाउंडर्स थे उसको एक अच्छा खासा फाइनेंशियल एग्जिट देने के बाद थ्रासियो ने पर्टिकुलर 4 एरिया में काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहला एरिया था एडवर्टाइजमेंट एंड कस्टमर अट्रैक्शन। थ्रासियो ने क्लाउड मसाज के जितने भी इक्विपमेंट थे वहाँ पर हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट किया एंड साथ साथ में वहाँ पे कूपन देना भी स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो अमेजोन की बेस डील के लिए एलिजिबल हो गया। एंड साथ साथ में कस्टमर की बार बार उस प्रोडक्ट को चेक करने की वजह से, इंप्रेशन बढ़ने की वजह से, और साथ साथ में हैवी डिस्काउंट होने की वजह से कस्टमर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो अमेजोन की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गई, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे खासे कस्टमर उस प्रोडक्ट को मिलने लगे। सेकेंड एरिया जहाँ पर थ्रासियो ने काम किया वो एरिया था सेलिब्रिटी एंडोरसमेंट एंड ब्रांडिंग, जहाँ पे थ्रासियो ने जो क्लाउड मसाज है उसके नए नए फोटोज एंड वीडियोस मार्केट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर दिए। साथ साथ में थ्रासियो ने क्लाउड मसाज की जो कलर प्लेटलेट थी उसको भी चेंज कर दिया, उसके पुराने लोगों को चेंज करके एक अच्छा नया लोगो डेवलप किया, एंड साथ साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से उन्होंने मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी खासी ब्रांडिंग की, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की जो प्रीमियमनेस थी एंड साथ साथ में प्रोडक्ट के जो फीचर्स थे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर शोकेस करना स्टार्ट किया। एंड कहीं ना कहीं अच्छे खासे सेलिब्रिटी एंडोरसमेंट की वजह से प्रोडक्ट का जो मार्केट के अंदर अवेयरनेस था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एंड उसके बाद थ्रासियो ने काम करना स्टार्ट किया तीसरे एरिया के अंदर, और वो एरिया था प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे थ्रासियो ने क्लाउड मसाज के नए एडवांस मशीन जिसके अंदर नए नए फीचर्स हैं, नई नई यूनिकनेस है, उसको भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक नए प्रोडक्ट रेंज डेवलप हो गई। उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया पे थ्रासियो ने काम किया और वो एरिया था D2C सेगमेंट,
जहाँ पे थ्रासियो ने जो क्लाउड मसाज की पुरानी वेबसाइट थी उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया एंड एक नया लुक दिया, जहाँ पर उन्होंने SEO हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, गूगल एडवर्ड्स हो गया, PPC हो गया, इस तरीके से हर पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने एक्सपर्ट की हेल्प लेकर उस वेबसाइट का जो रैंकिंग था उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड के अंदर ग्रो कर दिया, जिसकी वजह से क्लाउड मसाज का जो मंथली रेवेन्यू था $100,000 वो वीकली बन गया। यानी थ्रासियो के आने के बाद क्लाउड मसाज का जो वीकली रेवेन्यू था वो सिर्फ D2C सेगमेंट के अंदर वो बन गया $100,000 एंड ब्लैक फ्राइडे के दिन उन्होंने सिर्फ एक दिन के अंदर $200,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। एंड कहीं ना कहीं थ्रासियो के हर सेगमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से डेवलप करने की वजह से क्लाउड मसाज की जो रिव्यूज थे वो 12 महीने के अंदर 1800% इंक्रीज हुए, उसका जो रेवेन्यू था वो 1100% इंक्रीज हुआ एंड साथ साथ में क्लाउड मसाज का जो प्रॉफिट था वो अप्रोक्सीमेटली 500% इंक्रीज हुआ एंड जिसकी वजह से क्लाउड मसाज का जो डेली मार्केट था वो बहुत ही बड़ा हो गया। आज क्लाउड मसाज बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। साथ साथ में थ्रासियो ने ट्रेल बडी को भी एक्वायर किया था, जिसका भी रेवेन्यू उन्होंने 300% सिर्फ 12 महीने के अंदर ग्रो किया। इस तरीके से थ्रासियो ने अप्रोक्सीमेटली 25 ब्रांड को एक्वायर किया है, जिसका रेवेन्यू उन्होंने 100%, 500% एंड 1000% ग्रो किया है। रिसेंटली थ्रासियो ने $1 बिलियन की फंडिंग रेज की और आज थ्रासियो की जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन है लास्ट ईयर का एंड जिसके अंदर से थ्रासियो ने $100 मिलियन का प्रॉफिट भी किया। एज अ स्टार्टअप एंड एज ए न्यू कंपनी अब अगर 3 ही साल के अंदर $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड आज थ्रासियो की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन है वो है $10 बिलियन। यानी थ्रासियो सिर्फ 3 साल के अंदर 70,000 से लगकर 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो इस तरीके से थ्रासियो बिजनेस मॉडल की वजह से थ्रासियो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली ग्रो हुआ। इसी बिजनेस मॉडल पे काम करता है हमारा इंडिया का थ्रासियो यानी कि मेंसा। मेंसा को शुरू किया था अनंत नारायण ने, जो फॉर्मर CEO रह चुके हैं महिंद्रा के एंड साथ हमें फाउंडर रह चुके हैं मिड लाइफ के। उन्होंने भी अपनी टीम के अंदर एक्सपर्ट की टीम डेवलप की, जहां पर स्विगी के जो बिजनेस हेड है एंड साथ साथ में लोरियल के मैनेजर एंड पर्पल के जो डायरेक्टर है और ऐसे अमेजिंग लीडर्स के साथ मिलकर उन्होंने मेंसा ब्रांड की शुरुआत की एंड उसके बाद जिस तरीके से थ्रासियो मॉडल काम करता है उस मॉडल पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अच्छी एक्सपर्ट की टीम होना, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना, जहां पर ऑनलाइन मार्केट का, ई कॉमर्स मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनकी टीम के पास एंड साथ साथ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पर काम करने की वजह से उनको सिर्फ 6 मंथ के अंदर $300 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है, जहां पर टाइगर ग्लोबल हो गया, ग्लोबल वेंचर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म ने आज मेंसा के अंदर इन्वेस्ट किया एंड 6 मंथ के अंदर ही मेंसा आज प्रॉफिटेबल बन चुका है। अगर मैं बात करूँ कौन सी कैटेगरी में मेंसा काम करता है, तो मेंसा मेनली 3 कैटेगरी में काम करते हैं, जहाँ पे फैशन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। और इस पर्टिकुलर 3 कैटेगरी के अंदर आज मेंसा ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 16 ब्रांड को एक्वायर किया है, जहाँ पे विलन हो गया, कारीगरी हो गया, प्रियासी हो गया और ऐसी कई सारी ब्रांड को आज ने मेंसा ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर डेवलप कर दिया है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेंसा की ब्रांड के ग्रोथ के बारे में, तो विलन का ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6 मंथ के अंदर 250% हो चुका है एंड साथ में अगर बात करूँ कारीगरी, तो कारीगरी का ग्रोथ हो चुका है 150%। कारीगरी को जब मेंसा ने एक्वायर किया तो उसके बाद कारीगरी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेंसा ने इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, तो आज के डेट में जो कारीगरी का जो रेवेन्यू है उसका 10% हिस्सा इंटरनेशनल ब्रांड एंड इंटरनेशनल मार्केट से आता है। साथ हमें कारीगरी को डेवलप किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड सेलिब्रिटी एंडोरसमेंट में, जहां पर पायल गुप्ता हो गई, आलिया भट्ट हो गई, सोनू कक्कर हो गई और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने कोलाबोरेशन किया एंड अपनी ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ाई एंड कस्टमर को अट्रैक्ट भी किया। साथ साथ में उन्होंने अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, वहां पर भी एक अच्छा खासा कोलाबोरेशन किया था, जिसकी वजह से जो उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ने लगी। उन्होंने कारीगरी की जो वेबसाइट के लुकआउट हो गया, लुक एंड फील हो गया, अनब्रांडिंग हो गया, ऐसे हर एक सिंगल डिटेल्स पे भी काम किया। साथ साथ में कारीगरी को डिफरेंट सेगमेंट के अंदर भी लॉन्च किया, जहाँ पर उन्होंने कारीगरी के ज्वेलरी सेगमेंट में लॉन्च किया, जहाँ पर मेंसा की ही पोर्टफोलियो के अंदर जो ब्रांड है जिसका नाम है प्रियासी, उनके गाइडेंस की वजह से कारीगरी सक्सेसफुली ज्वेलरी ब्रांड को भी लॉन्च कर पाए। इस तरीके से मेंसा के पोर्टफोलियो के अंदर 16 ब्रांड का अप्रोक्सीमेटली जो ग्रोथ है वो 6 महीने के अंदर 100% से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेंसा की ब्रांड के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एक्सपर्ट्स का एंड साथ साथ में अमेजिंग बिजनेस मॉडल है। लेकिन इंडिया के अंदर इस बिजनेस मॉडल के अंदर सिर्फ मेंसा काम नहीं कर रही, ऐसी कई सारी ब्रांड है, जहाँ पर बात करूँ 10 क्लब की, ग्लोबल बीज की, गोड की
और अपस्केलियो के ऐसी कई सारी ब्रांड है जो ये सेम बिजनेस मॉडल पे काम कर दिया है, और उन्होंने भी अच्छी खासी फंडिंग अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन डॉलर से लगाकर 100-150 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग भी रेस कर ली है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर त्रासियो बिजनेस मॉडल पे ब्रांड्स काम करती है, किस तरीके से D2C सेगमेंट के अंदर ब्रांड्स अपने आप को ग्रो करती हैं, किस तरीके से एक्सपर्ट की टीम हमारे इंडिया के स्मॉल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाती है। एंड डेफिनेटली कॉम्पिटिशन देखना तो बनता ही है। अभी रिसेंटली नायका ने भी हाउस ऑफ ब्रांड के कॉन्सेप्ट को अनाउंस किया है, जहां पे वो भी इसी तरीके से ब्रांड को एक्वायर करने वाली है। तो देखना ये रहेगा कि किस तरीके से अपनी एक्सपर्टीज के जरिए ब्रांड दूसरी ब्रांड को ग्रो करती है। एंड साथ साथ में ये केस स्टडी हमें ये भी बताती है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है एक्सपर्ट का आपकी टीम के अंदर होना। तो अगर आप भी स्टार्टअप कर रहे हो एंड अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हो तो ट्राई करो कि एक्सपर्ट की एडवाइस लो, और अगर हो सकता है तो एक्सपर्ट को अपने साथ ऑनबोर्ड भी करो, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो एंड अपने बिजनेस को फेल होने से बचा सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।